कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हुंडई का i10 है, 2009 का मॉडल है, मैग्ना। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी का पावर स्टीयरिंग है वो उसका पावर स्टीयरिंग व्हील उसका जाम हो गया, और साथ में क्लस्टर मीटर में EPS का जो साइन है ये कंटिन्यूसली ऑन है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ लाइव फॉल्ट कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हुंडई i10, तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी अपने हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, आपको एक्सीलरेट करके भी दिखाता हूँ। लेकिन इसका जो क्लस्टर मीटर है उसके ऊपर EPS का जो साइन है ये कंटिन्यूसली ऑन है, और साथ में इसको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जाना चाहिए लेकिन ये कंटिन्यूसली ऑन है। और साथ में उसका स्टेयरिंग भी देखेंगे तो ये पूरा जाम है, इसको फ्री होना चाहिए, एक उंगली से घूमना चाहिए लेकिन ये पूरा जाम है, इसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। और इसको एक बार स्कैनर के ऊपर इसको स्कैन भी करते हैं, सिस्टम सिलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग रेड ट्रबल कोड। तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड बता रहे, पावर स्टीयरिंग में कोई फॉल्ट कोड नहीं है। साथ में आप देखेंगे तो इंजन लेडेड ऑल रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे भी नो ट्रबल कोड है, मतलब इसके अंदर फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। आपको एक बार दिखाता हूँ लेकिन अपन लाइव डाटा पे चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग रेड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड है लेकिन पावर स्टीयरिंग का साइन कंटिन्यूसली ऑन है। और साथ में देखेंगे इसका लाइव डाटा, तो लाइव डाटा में आपको जो मैं सिलेक्ट किया हूँ इसका इंजन स्पीड का जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो RPM है ये RPM अराउंड आपको 900 के आसपास होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 शो हो रहा है। जब तक ये RPM का सिग्नल EPS को नहीं मिलेगा जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होएगा। तो ये RPM का सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है, और साथ में और एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो RPM का जो निडल है, ये गाड़ी अपनी स्टार्ट है, आपको मैं एक्सीलरेट करके दिखाता हूँ। लेकिन ये जो RPM है उसका जो निडल वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, 0 पोजीशन पे खड़ा है। तो इसको 900 का RPM तक जाना चाहिए था, और ये जो सिग्नल है वो जो मैंने पूरा उसका वायरिंग चेक किया उसके बाद फॉल्ट को मैंने डायग्नोस किया, तो इसका जो सिग्नल है ये जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल आता है लेफ्ट साइड में ग्लो बॉक्स के नीचे, यहाँ से आता है। तो जो ECM है इसको एक बार अपन खोल के चेक करते, साथ में रिपेयर भी करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि अपना ये प्रॉब्लम है स्टीयरिंग हार्ड का ये क्लियर हो रहा है क्या। वापस एक बार बता दो कि इसका EPS का साइन कंटिन्यूसली ऑन है और RPM का जो निडल है वो 0 पे रुका हुआ है। तो ये सिम्टम्स है फॉल्ट पकड़ने के, और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है और यहाँ पे 0 RPM बता रहे। तो इसको एक बार ECM को एक बार मैं खोलते हैं, तो फाइनली इसको मैं खोलता हूँ। इसको मैंने खोल लिया कैफी को, और एक बार इसको पूरा ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। आते अपने ECM रिपेयरिंग लैब में, अपना छोटा सा लैब है। Thank you.
तो करते हैं उसको रिपेयर। फाइनली मैंने इसको रिपेयर कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक वगैरह कटे थे, आप देख सकते हैं। तो एक बार इसको गाड़ी में लगा के देखते हैं कि ये जो अपना प्रॉब्लम है वो क्लियर हो रहा है क्या। मैंने इसे हमको रिपेयर कर दिया और एक बार लगा के भी देखते हैं। फाइनली फिटिंग कर दी है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, इग्निशन स्विच ऑन किया और गाड़ी को करते हैं क्रैंकिंग। गाड़ी हो गई स्टार्ट अपनी और यहाँ पे देखेंगे तो उसका ईपीएस का साइन था वो भी चला गया और साथ में ये जो आरपीएम है वो जीरो पे रुका हुआ था तो ये अभी 900 के आसपास आ गया है। मैं गाड़ी को थोड़ा एक्सीलेट करता हूँ। ये नीडल आरपीएम का काम कर रहा है, साथ में चेक लाइट भी, ईपीएस का जो साइन था वो भी चला गया और स्टेयरिंग अपनी फ्री हो गई जो पहले पूरी जाम थी। तो अभी एक उंगली के ऊपर घूम रही है, एक उंगली पे, एक ही उंगली है, पूरा फ्री हो गया। साथ में आपको लाइव डाटा भी चेक करवाता हूँ। i10 2009 1.1 सिस्टम सिलेक्शन, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, नो ट्रबल कोड। और लाइव डाटा में आपको जो बता रहा था कि इंजन स्पीड सेंसर का इनपुट सिग्नल है वो नहीं मिल रहा था ईपीएस को, तो अभी ये पहला इंजन स्पीड इसका जीरो पे रुका था लेकिन अभी देखेंगे तो 780 800 के आसपास ये वेरी कर रहा है। इट मीन्स ये अपना प्रॉब्लम 100% ओके हो गया। तो फॉल्टी ईसीएम की वजह से ये प्रॉब्लम आया था स्टेयरिंग हार्ड का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।